أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम लोग देखेंगे कि डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले नहीं थोड़ा सा देखेंगे 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ejtal.net ejtal.net उसके बाद आप ये अरबिक एलमनाक पे क्लिक करें। अच्छा, इसमें डिक्शनरी में आप वर्ड नहीं डाल सकते, रूट वर्ड डालना पड़ेगा आपको। अगर आपको किताब ढूंढना है किसमें ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? आ आ बा। ये इंग्लिश और अरबिक दोनों एक्सेप्ट करता है। इस वेबसाइट की खासियत है कि आप के टी बी लिखेंगे, अगर आप स्मॉल के स्मॉल टी स्मॉल बी, तो वो कताबा उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आपको पॉ लिखना है कैपिटल टी लिखेंगे आप, ठीक है। अगर स्मॉल लिखना है तो हाँ लिखा भाई, शॉर्टकट दिए हुए इन्होंने। एक अबाउट पेज में जाएंगे अगर आप, तो आप अबाउट में जाएं। नहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको उससे। अच्छा देखें, अब यहाँ पे अफसर आपको दिखा रहा है ये कि कैसे यूज करना है डिक्शनरी को। अगर आपको दा लिखना है तो डी लिखे स्मॉल डी, बहुत अगर लिखना है कैपिटल डी, जा जो है स्मॉल जी, तो वो है इज कैपिटल जेड वगैरह वगैरह। ठीक है, इसीलिए तो सर्फ आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सर्फ जो पढ़ते हैं। यही तो खासियत है अरबी डिक्शनरी की। अब हमें लेट्स से कताबा दराबा ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? नहीं, इंग्लिश में कैसे ढूंढेंगे? कैपिटल डी, कैपिटल डी आर डी, एंटर। अच्छा, अब आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नजर आएगा यहाँ पे, राइट पे आपको नजर आ रहा है ये दराबा। अब ये दराबा है तो अब इसका मुदारे क्या होगा? इन्होंने एक लेटर आई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आई मतलब कि मुदारे में जो मिडिल लेटर है वो आई है। यद रीबू, इस आई का मतलब होता है यद रीबू। अच्छा, अगर बीच में जैसे नसरा यन शुरू है तो यहां पे क्या होगा? नसरा में यू लिखा होगा। I'll show you. नसरा, तो बहुत इजी बना दिया इसने डिक्शनरी को हमारे लिए। अब देखें यहाँ पे नसरा, नसरा। अब मुदारे कैसे होगा? यन शुरू, ये यू बता रहा है कि मुदारे विल बी यन शुरू, मिडिल वाला लेटर को आप बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसमें जो वर्ड्स हैं ब्रैकेट में वो इसके मजदर है। नसर और यंसुरु का मजदर क्या है? हेल्प। हेल्प कैसे बोलेंगे? नसर। इदा जाअ नसरुल्लाही, व्हेन द हेल्प ऑफ अल्लाह कम्स, नसर इज मजदर ऑफ नसरा। दूसरा मजदर क्या है? नुसूर, यद्रिबु। यंसुरु यू है ना, ये ऊ, यद्रु यंसुरु, यद्रिबु, रीबु मतलब आई आ रहा है बीच में। अगर यू आएगा तो मतलब बीच वाला लेटर में बम्मा आएगा, यंसुरु। उसके बाद इसके दो मसदर हैं, नसर और नुसूर। हेल्प को दो वर्ड बोलते हैं, नसर और नुसूर, ठीक है। उसके बाद उसका मीनिंग है टू हेल्प, टू एड, असिस्ट, अला समवन, अगेंस्ट समवन। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक सेमी कोलन आ जाता है। सेमी कोलन से पहले जो है वो एक वर्ड है, यार यहां से लेके ये एक मीनिंग है इसका पूरा। सेमी कोलन के बाद दूसरे सेमी कोलन तक ये पूरा एक मीनिंग है, टू रेंडर विक्टोरियस, टू लेट ट्रायम्फ, अला समवन ओवर समथिंग। तो सेमी कोलन से सेमी कोलन तक एक मीनिंग है और यहां से लेके यहां तक एक मीनिंग है, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग, दराबा में जाऊं दोबारा, दराबा देखें। दराबा यद रीबू, मजदर क्या है? बीटिंग कैसे बोलेंगे? दर्ब, दर्बुन। टू बीट, टू स्ट्राइक, टू हिट। अच्छा, अब आपको ये हा नजर आ रहा है, ये हा नजर आ रहा है और एसओ नजर आ रहा है। एसओ मतलब समवन, हा के बाद एसटीएच मतलब समथिंग। हा और एसओ और एसटीएच का मतलब है कि दिस इज द मफूल। दरबा मतलब ही हिट समवन और समथिंग।
मिसाल के तौर पे दरबा ज़कीयुन, इसके बाद ये ब्रैकेट में जो है ये यहां पे आप मफूल भी प्लेस करेंगे, दरबा ज़कीयुन मुहम्मदन, ठीक है, हिट समवन और समथिंग, हय्यतन, ही ज़की हिट अ स्नेक या व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करते रहे तो आपको डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे दरबा के, चलते रहे फिर आपको आगे जाके से यहां पे अभी आपको रोमन टू नजर आ रहा है, रोमन टू, फिर आगे रोमन थ्री, रोमन फोर, ये फॉर्म्स हैं जो हमने पढ़े थे। फॉर्म टू क्या होता है, देखिए दरबा का फॉर्म टू क्या होगा, दरबा, दरबा, हाँ, कसरा का फॉर्म टू क्या होता है, कसरा। अब मिसाल के तौर पे अगर तुम्हें वर्ड दर्रबा ढूंढना है डिक्शनरी में तो कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में दर्रबा, तो आपको पहले दर्रबा में आना पड़ेगा, कैपिटल डी आर और बी सर्च करें, फिर ये टू ढूंढें आप, ये रोमन टू आपको नजर आ रहा है टू, तो आपको पता चलेगा कि दर्रबा का मतलब है टू मिक्स समथिंग, टू ब्लेंड समथिंग, टू सो डिसेंशन, टू कॉज ट्रबल, ये इसके मीनिंग है दर्रबा के, ठीक है। अब ऐसा करें आप पेपर निकालें, जो हमने पेपर निकाला है प्रिंट किया है, अब सर प्रिंट आउट उठाएं, देखिए एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला वर्ड क्या है, यहां से अल्लामा से, देखिए पहला वर्ड क्या है, अल्लामा, कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे, आइन के लिए नंबर थ्री यूज करता है ये, अल्लामा, लेट्स सी, यस, आ जो है नंबर थ्री, आपने देखा होगा अरब जब चैट कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो नंबर थ्री यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो नंबर थ्री इज एक्चुअली आइन के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा अब अल्लामा कहां मिलेगा हमें, कैपिटल जी, कैपिटल जी इज गाइन, ठीक है। अब हम अल्लामा में आ गए, अलीमा आ गया, अब हमें यहां पहुंचना है, क्या मीनिंग है अल्लामा का, टू, पहले तो 3LM आपने टाइप कर दिया एंटर, 3LM से आपको ये पेज खुल गया, इसके बाद आपको अल्लामा ढूंढना है तो नंबर टू आप ढूंढेंगे, दिस इज द वन टू टीच। अच्छा सेकंड कॉलम क्या है यहाँ पे, युअल्लिमु, अल्लामा का मुदारे देखिए, युअल्लिमु, ही टीचेस, अल्लामा मतलब ही टॉट, पास्ट टेंस। थर्ड कॉलम क्या है, अल्लिम, अमर कैसे बनाएंगे, यस, पहला वाला लेटर ड्रॉप कर देंगे, आखिरी वाले लेटर को मजज़ूम बना देंगे, तो यू अल्लिमु में यू ड्रॉप हुआ, अल्लिम। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, मसदर क्या होगा उसका, मसदर जो है उसका बेस फॉर्म है तालीम, तफ़ईल, तफ़ईल के पैटर्न पे होगा हमेशा, उसके आगे इस्मुल फ़ाइल क्या होगा, मुअल्लिम, डूअर, इसका इसका जो फाइल होगा इस्मुल फाइल होगा मुअल्लिम ज़ेर के साथ, और इसका इस्मुल मफ़ऊल क्या होगा, मुअल्लम, मुअल्लम, मुअल्लिम टीचर, मुअल्लम स्टूडेंट। वो सिखा रहे हैं, लेट्स मूव अहेड, मुअल्लिम मतलब टीचर, मुअल्लम मतलब स्टूडेंट, इस्मुल फाइल मतलब डूअर, इस्मुल मफ़ऊल मतलब रिसीवर, मुअल्लिम टीचर, मुअल्लम स्टूडेंट। आगे चलें, उसके आगे क्या है, लास्ट क्या है, इस्मुल मफ़ऊल, ठीक है, ओके। दर्रसा, कुछ चार पांच प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ये करते हैं जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक में आ जाए, कद्दरा, ओके, देखिए कद्दरा कैसे ढूंढेंगे, कद्दरा कैपिटल के बी आर, नहीं क्यू यूज करेंगे, क्यू डी आर, क्यू डी आर में आ गया, अब कैसे ढूंढेंगे, क्यू डी आर में टू में आप ढूंढेंगे, क्या मीनिंग है, टू अपॉइंट, क्या आप देखें, कद्दरा मतलब टू अपॉइंट, लिख लें आप उसको ब्रैकेट में कहीं, कद्दरा ही अपॉइंटेड,
कद्दरा ही अपॉइंटेड, मुदारे क्या होगा इसका, कद्दरा लिखिए पूरा फिल करें, कद्दरा युकद्दिरु मस्दर तकदीर, समझ में आया तकदीर वर्ड कहां से आता है यार, इसकी तो तकदीर में लिखा हुआ था, कद्दिर अमर होगा, कद्दरा युकद्दिरु कद्दिर अमर, अपॉइंट तकदीर मतलब अपॉइंटेड, यानी उसका जो हमारे तकदीर में लिखा हुआ है वो चीज ऑलरेडी अपॉइंटेड, तकदीर इज द मस्दर, मुकद्दिर इज द अपॉइंटर, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल होगा मुकद्दर, ये तो मुकद्दर था मेरा, और फिर आपका ये खत्म है। लेट्स प्रैक्टिस अ कपल ऑफ मोर, जी नहीं फाइल तो देखें, इस्मुल फाइल जो है नाउन है, और फाइल जो है ना वो जुमला फेलिया के अंदर आता है, दरबा हु हिट, दरबा लकीयुन वो फाइल है वहां पे, इस्मुल फाइल जुमला इस्मिया में भी आ सकता है, हादा मुदर्रिसुन मुदर्रिस जुमला इस्मिया है, इस्मुल फाइल जुमला इस्मिया में भी आ जाता है, फाइल सिर्फ जुमला फेलिया में आएगा, फाइल टीचर तो टीचर जुमला इसमें में भी आ सकता है, जुमला फेलिया में भी आ सकता है, फाइल जो है सिर्फ जुमला फेलिया में आएगा। आगे चले, नेक्स्ट वर्ड क्या है सर, बल्लगा, कैसे ढूंढेंगे, बा एल गा क्या होगा, कैपिटल जी, लेट्स सी ढूंढते हैं ना, वो साथ में कर रहे हैं, बी एल जी अगर कैपिटल लिखेंगे तो हमें बल्लगा आ जाएगा। अब बल्लगा कहां ढूंढेंगे, फॉर्म टू में, लेट्स सर्च फॉर फॉर्म नंबर टू, यहां है फॉर्म नंबर टू, इसके मीनिंग है टू मेक, टू रीच, अटेन, टू टेक, लेट्स टेक द मीनिंग ऑफ टू कन्वे, लिखें ये सब टू कन्वे, ही कन्वेड, देखिए बल्लगा के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, वन ऑफ द मीनिंग्स इज टू कन्वे, to convey, to transmit, to impart, to make, to achieve, to read, वगैरह वगैरह। बल्लगा मुदारे क्या होगा, युबल्लिगु, फेल अम्र क्या होगा, नहीं नहीं ये तो मजीद तो तुम्हें अपनी नॉलेज चाहिए, सर्फ की नॉलेज चाहिए इसकी, हाँ बल्लगा युबल्लिगु, अमर क्या होगा, बल्लिग, अब आज वो हदीस समझ में आ गई था कि बल्लिग, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, बल्लिग कन्वे, मसदर क्या होगा, मसदर तबलीगी जमात, तबलीग कन्वे करना, तबलीग, अब सब 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 मीनिंग समझ में आ रहे हैं, तबलीग तालीम ये सारे मजदर हैं फॉर्म टू के, मुबल्लिग दाई को क्या कहेंगे, जो जो कन्वे करता है, कन्वेयर मुबल्लिग, और जो रिसीवर है जो सुनता है, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात में जो स्पीकर होगा उसको क्या कहेंगे, मुबल्लिग, मुबल्लिग मुबल्लग। अच्छा आगे चले, नेक्स्ट बदला, लगी बदला कैसे ढूंढेंगे, बी डी एल सिंपल, बदला मतलब टू चेंज, ही चेंज लिखें, बदला फॉर्म टू, टू चेंज और ऑल्टर समथिंग, ब्रैकेट मतलब मफूल भी, बदला युबद्दिलु बद्दिल तब्दील मुबद्दिल मुबद्दल, नहीं वो फॉर्म वन है, बदला यब्दुलू है, फॉर्म टू का कहाँ दिया हुआ, नंबर टू लिख, नहीं वो आपको सर्फ की नॉलेज चाहिए, वो नहीं बताते इसमें, सिर्फ फॉर्म वन के लिए बताते हैं आपको, फॉर्म टू के लिए आपको नॉलेज चाहिए अपनी, देखिए बदला मन बदला दीनहु फक्तुलूहु, यस हूएवर लीव्स इस्लाम किल हिम, मन बदला दीनहु फक्तुलूहु,
Whoever changes the deen, kill him. नहीं, ये तो सही हदीस है, it's agreed upon. But दिल अमर होगा, तब्दील. हम कहते हैं ना यार, बड़ी तब्दीलियां आ गई दुनिया में, ये सब तब्दील हो गए हालात. तब्दील क्या है? बदला का मजदर है. आज सारी के रूट समझ में आ रहे हैं तुम्हारे, तब्दीलियां आ गई, तब्दीलियां हो गई. मुबद्दिल इज अ चेंजर, ला मुबद्दिल लिकलिमातिही. तब्दील जो होगा वो मतलब, यस, तब्दील मतलब होगा. मुबद्दिल इस्मुल फाइल, मुबद्दल इस्मुल मफ़ऊल. नहीं, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, चाहे पक्की हो जाए. इससे क्या होगा ना, इंडिपेंडेंट हो जाओगे तुम. कोई भी बुक उठाओ, नहीं एटलीस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी. कैसे? नेक्स्ट वर्ड, लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे तफहीम, देखिए. अच्छा, लेट्स डू इट द ऑपोजिट. तफहीम अगर लिखा हुआ है, घर पे कर लेना जाके. नहीं, कर लो सल्लम, कोई मुश्किल नहीं होता. हाँ, वर्ड क्या है? सल्लमा. कैसे ढूंढेंगे? ताकि एस एल एम एंटर. अब क्या, कहाँ जाएंगे? सल्लमा में फॉर्म टू. सल्लमा मतलब टू प्रिजर्व, टू कीप फ्रॉम इंजरी, टू प्रोटेक्ट. ओके, चले, लेट्स गो बैक टू द लेसन, बुक थ्री, लेसन थ्री, एक्सरसाइजेस. हम लोगों ने इस पे रोका था लास्ट टाइम, वला द यलीदु पे. किसी को याद है? यलीदु का मतलब क्या है? यलीदु का मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, यलीदु, यलीदु मतलब ही गेव बर्थ. ठीक है, यलीदु का मजहूल क्या होगा? यूलदु. यलीदु का मजहूल होगा यूलदु. यस, ठीक है. अच्छा जकी, ये यलीदु कैसे हुआ? इसका पास्ट टेंस क्या था? वलदा. वलदा मतलब ही गेव बर्थ. अब सर ये आप बताएंगे, आपने माशाल्लाह सर बहुत पढ़ी हुई आजकल. वलदा मतलब ही गेव बर्थ. इसका मुदारे है यौलिदु. अच्छा, ये क्या बन जाएगा? यौलिदु से वाव ड्रॉप हो जाएगा. क्या बनेगा? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले वर्ड को जिसमें वाव आता है शुरू में? ये वीक है, ये वीक वर्ब्स हैं. अरबिक में क्या बोलते हैं इसको? मुअत्तल. मुअत्तल. जबकि अब तुम बता सकते हो कि ये इसका मजदर क्या है? नहीं, ये क्या चीज है मुअत्तल? इस्मुल फाइल है या इस्मुल मफ़ऊल है? इस्मुल मफ़ऊल है. किस किस का? फॉर्म वन का, फॉर्म टू का? यस, गुड आंसर. फॉर्म टू का इस्मुल मफ़ऊल है मुअत्तल. इस्मुल फाइल क्या होगा फॉर्म टू का? मुअत्तिल. मजदर क्या होगा? तातील. तातील जो है मजदर होगा. तो इसमें इसमें वीक में क्या होता है कि मुदारे में ये वाव जो है वीक वीक लेटर ड्रॉप हो जाता है. तो वला दा यलीदु हो गया. ठीक है, आगे चलें. यजीदु, इसका इसका पास्ट टेंस क्या था यजीदु का? वजदा. वजदा मतलब ही फाउंड. और इससे क्या बनता है? यौजीदु. रखी, प्लीज फोकस. वजदा यौजीदु वही है यार, बुक थ्री, लेसन थ्री. अब सर क्या होगा? वजदा यौजीदु यजीदु, वाव ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, देखिए, वजदा यौजीदु, वाव ड्रॉप हो गया, यजीदु बन गया. अब मजहूल बनाना है आपको, वाव वापस आ जाएगा.
यूजदु, ठीक है, पैसिव, ही वॉज फाउंड, इट वॉज फाउंड. यूजदु का मतलब इट इज फाउंड या इट इज अवेलेबल. यजीनु मतलब वजना, इसका पास्ट टेंस क्या है, वजना, वजना यजीनु, इसका मजहूल क्या होगा, यूजनु. सकी अग्रीड, ठीक है. इट वॉज वेट, उसको तोला गया, वजन करना, ठीक है, इट वॉज वेट. आगे चले, ओके. तअम्मल, तअम्मल الأمثلة الآتية ثم ابن الأفعال في الجمل التي تليها للمجهول. मतलब ponder the following examples, then make the verbs passive in the following sentences. देखिए, فهمت الطلاب الدرس. Translation. The students understood the lesson. Fuhimat darsu. क्या मतलब हुआ? The lesson was understood. Next, अफसर. फतहा अल अबवाब नहीं है, यह है अल बवाब. बवाब मतलब क्या होगा? नाउन नहीं, फॉर्म टू नहीं. बवाब का मीनिंग क्या होगा? डोर मैन या डोर कीपर, गेट कीपर, गेट कीपर, डोर मैन. फतह अल बवाबू अल बाबा, ओके. फुतिह अल बाबू, ट्रांसलेशन, द डोर वॉज ओपन्ड. अब यहां पे देखें आप, बाई होम इट्स नॉट गिवन, बाई द बवाब, ठीक है. रखी नेक्स्ट, लिस्सू, सरका अल्लिस्सू साअतहु, द वॉचमैन फिक्स द वॉच. यार गलत सेंटेंस, क्या बोल रहे हो? सरा का मतलब क्या है? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदीहुमा, फक्तउ, अस्सारिकु वस्सारिकतु. नहीं यार, अफसर, सरा का मतलब कुरान की आयत है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदीहुमा, हाथ काट दो. चोर, सरा का मतलब, सरा का मतलब ही स्टोल. लिस मतलब, देखिए लिस मतलब, लिस मतलब थीफ, द थीफ, सरा का मतलब स्टोल, द थीफ स्टोल हिज वॉच, द थीफ स्टोल हिज वॉच. सुरिकत साअतुहु मतलब, हाँ, his watch was stolen. अफसर नेक्स्ट, ओके, यफ्तहु तुजारु अल दकाकीन अल आना, ट्रांसलेशन, द बिजनेसमैन, द बिजनेसमैन आर ओपनिंग द शॉप्स नाउ, ओके. आगे, यस, आर बीइंग ओपन, आर बीइंग ओपन नाउ, समझ में आ रहा है, आर बीइंग ओपन नाउ. इसमें मेन चीज क्या है कि मजहूल में डूअर गायब कर दिया, आपको मालूम नहीं कौन खोल रहा है, तुजार खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तुजार को गायब कर दिया आपने. द शॉप्स आर बीइंग ओपन बाय समवन, वी डोंट नो हु इट इज, ठीक है. दुकान का दकाकीन, दकाकीन, नहीं मंसूब नहीं, वो ही फॉर्म है, वही दकाकीन उसी फॉर्म पे है, ओके. بعد بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل ويحل المفعول به محله مرفوعا ويسمى نائب فاعل. क्या मतलब है इसका?
बिना मतलब क्या है? कंस्ट्रक्ट. आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैसिव वर्ब द फाइल इज ड्रॉप्ड. यूज़र मतलब ड्रॉप, हस मतलब ड्रॉप. द फाइल इज ड्रॉप. वो यहुल्लू मतलब रिप्लेस. द मफ़ऊल बिही रिप्लेसेस द पोजीशन. पोजीशन ऑफ द फाइल इज मरफू स्टेटस. यस. कॉल्ड. यसम्मा मतलब इट इज कॉल्ड. ओके, लेट मी ट्रांसलेट. आफ्टर मेकिंग द पैसिव वर्ब द फाइल इज ड्रॉप्ड एंड द मफ़ऊल बिही replaces the file in place of rafa becomes marfu and it is called as naibul file. samajh mein aa gayi baat? ab yahan pe aap dekhen kya ho raha hai zaki. in a very simple example, fahimat tullabu ad-darsa. ad-darsa kya hai? maf'ul bhi hai. agreed. ab ye kya kar raha hai? it is taking yahullu mahallahu, इसकी जगह ले रहा है. ठीक है. और फाइल क्या हो रहा है? युहज़फुल फाइल. फाइल गिर गया. एंड वो यहुल्लू एंड दर्स मफ़ऊल बिही इज रिप्लेसिंग द पोजीशन. यहुल्लू अल मफ़ऊल बिही महल्लहू मरफूअन. दरसा जो है मरफू बन गया. वो युसम्मा एंड इट इज कॉल्ड एज नायबुल फाइल. ठीक है, चले आज यहीं पर खत्म करते हैं. वह आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह.